वैसे ही है यार, मुंह पे कुछ और है, दिल में कुछ और, जुबान पे कुछ और सामने कुछ और, वो तो था ही। वो तो सभी ऐसे थे, मैं सबको सबको पहचान गई थी कि कौन क्या कर रहा है यहाँ। क्या लग रहा है, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया? ऐसे कहते ऋतिक रोशन सर, माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, हाँ बिल्कुल, तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा गलत इस्तेमाल हुआ है। अगर थोड़ा सा सेंसिबल होती ईशा और बिग बॉस का साइन समझती कि किसको निकालना है, तो वो अच्छा, बिग बॉस भी शायद उससे खुश होते और एक फेयर कैप्टन की तरह ईशा की भी इमेज थोड़ी अच्छी जाती, जो अभी बिल्कुल नहीं जा रही। तो इट वाज वेरी क्लियर कि उन्होंने बहुत अनफेयर डिसीजन लिया है जानबूझ के, और ये पावर उनके हाथ में देनी नहीं चाहिए थी, बट क्या ही कर सकते हैं। आपको क्या लगता है आपकी तरफ से कोई ऐसी दिक्कत नहीं की गई थी, उन्हीं की तरफ से हुआ था जो हुआ था? क्योंकि दिक्कत एज इन मतलब क्योंकि रूल ऐसे ब्रेकिंग? रूल ब्रेकिंग है या फिर और भी बॉन्ड्स की बात रूल करूँ? ब्रेकिंग तो आपके सामने है, बॉन्ड भी मैंने बनाया था ईशा से। अच्छा हाँ, झगड़े होते हैं उस घर में, बट उसका आप बदला एविक्शन पे निकालोगे तो फिर क्या है, मतलब आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग इन द हाउस। अगर मेरे को बहुत कायर लगी है ईशा ये डिसीजन लेके, क्योंकि उन्होंने एक स्ट्रांग पर्सनालिटी को जो उनको दबा रही थी, एक तरह से उन पर भारी पड़ रही थी, उन्होंने उसी को निकाला है। उसमें हिम्मत नहीं है मुझसे लड़ने की, सीधी सी बात है। इट वॉज़ वेरी क्लियर कि वो मुंह पे नहीं आ सकती, मुंह पे लड़ नहीं सकती, इसलिए उन्होंने हटा दिया रास्ते से। अगर घर के दिन और अगर आप उस दिन रहते तो फिर ईशा के किस तरीके का जवाब देते? मैं बहुत बहुत गंदा जवाब देती, ईंट का जवाब पत्थर से देती, और मैं छोड़ती नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ती। अगर घर की थीम की बात करो, दिल दिमाग और दम, क्या लगता है इन तीनों में कौन नहीं बैठता? इन तीनों में कौन नहीं हाँ, बैठता? जो आ गया हो, मतलब तीनों के अलावा एक इंसान हो घर में कोई जिसके पास तीनों नहीं है, ना दिल है, दिमाग है, ना दम है। औरा आई थिंक उसको कुछ भी समझ नहीं आता, ही इज सो मतलब इनोसेंट टू बी इन द हाउस, और लैंग्वेज बैरियर फर्स्ट ऑफ ऑल, वो तो समझ के ही बाहर है उसकी चीज़ें, तो फिर वो तो कहीं भी नहीं बैठता एक्चुअली। विकी को लेकर आपकी क्या राय मैम? क्या ही राय दूँ उनको, छोड़ो अभी वो मेरी राय के लायक नहीं है एंड अकीदा फेक इंसान है बहुत ज़्यादा, बहुत नेगेटिव पर्सन है। एंड आयशा कहने का, जो थोड़ा सा मुनावर में थोड़ा बदलाव नजर आ रहा है और मनारा भी थोड़ी कहीं ना कहीं, मुनव्वर में बदलाव नजर आ रहा हाँ है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदल चुका है गेम, ऐसा लगता था बदल गए हैं दिन है बदल गए जज्बात ना? बिग बॉस आपने आयशा को लाया, बदल गए हैं आप, तो ठीक है, अच्छा है, बदल गए तो बहुत ही बढ़िया बात है, कम से कम गेम तो दिखा उनका कुछ, अगर बदल गए, मुझे तो नहीं, मैं जब तक थी मुझे कुछ नहीं बदलाव दिखा, और ही बेवकूफ़ी कर रहे थे अंदर। बाहर आने के बाद आपको ऐसा लगा कि यार ये मुंह पे कुछ और था, अब दिख कुछ और रहा है, क्या मुंह पे कोई कुछ मतलब मुनव्वर? कोई और कंटेस्टेंट आपको लगा ऐसा, या आपने जब नहीं, सब बाहर? ऐसे ही है यार, मुंह पे कुछ और है, दिल में कुछ और, जुबान पे कुछ और सामने कुछ और, वो तो था ही। वो तो सभी ऐसे थे, मैं सबको सबको पहचान गई थी कि कौन क्या कर रहा है यहाँ पे। तो मेरे लिए तो बहुत इजी था सबको भापना, और भाप लिया मैंने, और उनको बोल भी दिया मुंह पे, और इसीलिए आज मैं यहाँ बैठी हूँ क्या लगता है घर का दबंग कौन है? मैं थी जो मुंह पे जवाब देती थी सबको, अभी कोई नहीं, नोबडी। एंड घर में ऐसा कौन है जो सिर्फ आशिकी करने आया है, मुनव्वर ऐसा क्यों लगता है? और समर्थ आशिकी ही कर रहे हैं, वो है क्या उनका गेम? समर्थ का क्या गेम है और मुनव्वर का क्या गेम है? शेर और शायरिया मार रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को याद कर रहे हैं, दूसरी लड़की आने के बाद उसके साथ आशिकी कर रहे हैं, तो फिर यही तो गेम है उनका। मैम इसके पहले के सीजन की बात करूँ तो एक वाइल्ड कार्ड एंट्री विनर बना है, तो ऐसा हो सकता है इस बार गेम में कि कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री? वाइल्ड कार्ड लायक होना चाहिए ना विनर के लिए, वो वाइल्ड कार्ड मुझे एक भी लायक नहीं लगता उसके लिए, क्या लगता है विनर के लिए कौन टॉप 3 नाम देंगे आप? नोबडी, बट आई सी नील एज अ विनर। और ऐसा कोई अगर मैम आपको अगर एक पावर मिले घर से किसी को निकालेंगे तो किसे निकालेंगे? ईशा डेफिनेटली। यदि अगर आपको फिर से वाइल्ड कार्ड एंट्री में जाने का अगर मौका मिलता है बिग बॉस के घर में, तो किस तरीके के गेम अब आप खेलना पसंद करेंगे जो आप नहीं खेले? मैं बहुत रियल रही हूँ और मैं रियल ही रहूँगी, मैं एक शो के लिए अपनी पर्सनालिटी चेंज नहीं करना चाहती, और मैं करूँगी भी नहीं, क्योंकि ये शो ही एक पर्सनालिटी शो है, इसमें कोई गेम गेम एज सच नहीं है, जो गेम 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 बोला जा रहा है, बिग बॉस ने कितनी बार बोला है कि ये एक गेम नहीं है, गेम नहीं है, ये एक पर्सनालिटी शो है। सो यस, मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही रहने वाली हूँ, बट मैं और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन के जाऊँगी अगर मैं गई ना,
मैं सबके खटिया खड़ी कर दूंगी अंदर जाके। मैम कंटेस्टेंट बाहर आने के बाद जरूर सबसे पहले अपना कोई ना कोई सॉन्ग लेकर आते, तो ऐसा आपकी तरफ से कुछ हो सकता है? सॉन्ग लेकर आते कोई ना कोई कुछ ना, जैसे बाहर आने के बाद पहला उनका कोई सॉन्ग ही लॉन्च होता है, तो ऐसा आपकी तरफ से? अरे भाई ऐसा कुछ भी लॉन्च नहीं हो रहा अभी, तो मेरे दिमाग में बिग बॉस ही चल रहा है अंदर के लोग। मैं सबसे ज्यादा वही सोच रही हूँ कि नील क्या कर रहा होगा अभी अंदर, मैंने देखा नहीं है अभी तक। जस्ट एक एपिसोड का एंड जो डिसीजन था वही देखा है मैंने, और लाइव भी नहीं देखा मैंने। मुझे देखना है कि नील क्या कर रहा है अंदर। ही मस्ट बी वरीड अबाउट मी, और मुझे भी चिंता हो रही है उसकी कि वो क्या फील कर रहा होगा, कैसा क्या होगा अंदर उसके साथ। सो जब आपको पता चला कि आप घर से निकल रहे हो, सबसे पहला ख्याल क्या आया दिमाग में? कोई ख्याल ही नहीं था। आई वॉज लाइक कि मेरी जो गलती नहीं है उसके लिए मुझे निकाल दिया जा रहा है, तो मैं क्या ही बोलूँ उस चीज़ पे। इट वॉज वेरी क्लियर, और आई वॉकड आउट वेरी ग्रेसफुली। सीरियसली मैं ऐसे हंसते हंसते बाहर आई हूँ, और मैंने टाइम ही नहीं लिया वहाँ पर रुकने का। सो आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ केयर। एनी लास्ट मैसेज टू योर फ्रेंड्स, फैमिलीज, फैंस, नील्स, एनीवन? यस, मैसेज यही है कि गाइज आपने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है, बहुत प्यार दिया है, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि नील अंदर है, आप मैं तो बाहर आ गई हूँ, उसको बहुत सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ 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 नील को सपोर्ट करो, क्योंकि ही नीड योर सपोर्ट, जस्ट मेक हिम विन। थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम।